संडे को लंच में दिल्ली के छोले भटूरे खा लेने के बाद कोलकाता का रसगुल्ला ठूस लेने का अपना अलग ही आनंद होता है कि नहीं। लेकिन आज एक टीम को या तो छोले भटूरे की मिर्ची लगेगी या फिर कोई रसगुल्ले की चाशनी में डूब कर बेड़ा गर्क कर जाएगा अपना। नमस्ते मैं बबुआ। नमस्कार जय हिंद, मैं रौनक। देख रहे हैं आप रणतंत्र। 4 मई का दिन था जब हमें खबर ये पता चली कि T20 लीग सस्पेंड हो गई। वरुण चक्रवर्ती को कोविड हो गया था, लीग सस्पेंड हो गई। लीग सस्पेंड होने से पहले कोलकाता ने इस टूर्नामेंट में 7 मैच खेले थे जिसमें सिर्फ 2 जीते थे। दुनिया के किसी भी क्रिकेट के पंडित ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोलकाता कम बैक कर पाएगी। लेकिन लीग की शुरुआत 19 सितंबर को दुबई में हुई, जहां पहुंचते ही ये टीम अभिषेक बच्चन की जगह अमिताभ बच्चन जैसा परफॉर्मेंस देने लग गई। आने वाले 7 मैचों में कोलकाता ने 5 जीत लिए, सिर्फ 2 हारे। यानी कुल मिला के उनको दुबई का पानी इतना सूट कर गया, इतना तो गुरु रंधावा के गाने में लड़की को सूट 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 नहीं किया। सॉरी। एक अच्छा और जबरदस्त कमबैक करके कोलकाता फाइनल में पहुंचने से बस एक कदम दूर है, लेकिन उनके रास्ते में कौन खड़ा है? टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम दिल्ली। खैर, मुझे इंस्टा पे फॉलो करके आपको भी एक बेहतरीन मौका मिल सकता है ₹5,000 जीतने का। कैसे? फॉलो तो करो, आगे मैं बताऊंगा इस वीडियो में। वेल, दिल्ली इतनी कंसिस्टेंट टीम है, इतने कंसिस्टेंट तो बच्चे नहीं होते मेले में जाकर खिलौना दिलाने की जिद को लेकर। पिछले 3 सालों की दिल्ली अकेले ऐसी टीम है जिसने प्लेऑफ में क्वालिफाई किया, सारे प्लेऑफ में। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसने अपने प्लेइंग 11 के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन उनके एक इंपॉर्टेंट प्लेयर मार्कस स्टॉइनिस अभी तक इंजर्ड है। अगर वापसी करते हैं तो दिल्ली पक्का अपने प्लेइंग 11 में चेंजेस लाएगी। उनके बिना दिल्ली ने स्टीव स्मिथ, रिपल पटेल, ललित यादव और टॉम करन को भी ट्राई किया, लेकिन किसी ने भी दिल्ली को वो बैलेंस नहीं दिया जो मार्कस स्टॉइनिस दे सकते हैं। दिल्ली के फैंस उम्मीद करेंगे कि स्टॉइनिस जल्दी से फिट होकर वापस आए, वरना सोचिए दिल्ली का क्या कटेगा अगर पॉइंट्स टेबल टॉप करके और फाइनल के लिए 2 चांस मिलने के बावजूद वो फाइनल में न पहुंचे तो सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी। बेन स्टोक्स है कि नहीं? लेकिन अब उनके पास आपके लिए एक मौका है, आप बिना इन्वेस्टमेंट किए 5,000 जीत सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं करना है, बस इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो और आज का जो मैच होने वाला है ना उसमें माई 11 सर्कल ऐप की टीम बना लो। उसके लिए माई 11 सर्कल ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर उसकी अल्टीमेट टीम का जो टॉप पॉइंट गेटर है वो आपको गेस करके मुझे बताना है। मेरे को तो लगता है साकिब अल हसन होंगे। वैसे मेरे लगने पे मत जाइए, आप अपनी अकल लगाइए, अपना गेस मारिए, इंस्टा पे मेरे को फॉलो करके DM करो। लेकिन उससे पहले माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उस पे मिलके अभी थोड़े टाइम में अपन टीम भी बनाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। बात करते हैं पहले कोलकाता की। स्टॉइनिस की तरह उनके एक ऑलराउंडर आंद्रे रसल भी चोटिल चल रहे हैं, फिट होने वाले हैं, लेकिन शारजा की पिच इतनी धीमी है कि उनके फिट होने के बाद भी मुझे लगता है वो लोग साकिब को ही खिलाएंगे। कैप्टन मॉर्गन की बैटिंग फॉर्म अच्छी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पिछले 8 मैचों में 6 में कोलकाता को जीत दिला दी है, इसलिए उनका टीम में होना भी तय है। शारजा में कोलकाता इस साल 3 मैच खेल चुका है जिसमें से दिल्ली और बेंगलुरु के खिलाफ उनके बॉलर्स ने एक भी छक्का नहीं खाया है। वहीं दूसरी बार में बैटिंग करने वाली टीम इस साल शारजा में 7 में से 5 बार जीती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम बॉलिंग करेगी, ये बात आपको आपका भाई लिख कर दे सकता है। अब जरा मुद्दे की बात पर फोकस करते हैं। फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लो। क्यों? चैंपियंस की टीम को हराकर 5 गुना कैश जीतने का मौका मिलता है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा पॉइंट्स कौन सा प्लेयर अपना कमाएगा वो गेस करके आपको ₹5,000 जीतने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसका नाम गेस करना है और मुझे इंस्टा पे DM करके बताना है। लेकिन उससे पहले इंस्टा पे फॉलो भी करना पड़ेगा वरना है कि नहीं? अब जरा पॉइंट पे आते हैं और आज के मैच से पहले हम लोग क्या टीम बनाएंगे वो आपको बताते हैं। विकेट कीपर होंगे ऋषभ पंत, बल्लेबाजी करेंगे धवन, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, पृथ्वी शॉ और श्रेयस अय्यर, जबकि ऑलराउंडर होंगे शाकिब, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, गेंदबाजी आवेश खान और लॉकी फर्ग्यूसन करेंगे। कैप्टन बना रहे हम शाकिब को, जबकि उपकप्तान होंगे पृथ्वी शॉ। तो ये बन गई हमारी टीम, आप भी अपनी टीम बनाना और इंस्टा पे फॉलो करके मुझे आज की माई 11 सर्कल ऐप की टीम का हाईएस्ट पॉइंट कौन जीतेगा उसके बारे में गेस करके बताना। आप में से एक लकी विनर को ₹5,000 आपका भाई देगा। इससे पहले किस किस ने जीता है उनको तो देख लो। जी हाँ, ये उनका चेहरा है, ये उनके दर्शन कर लो, आपको भी मौका मिल सकता है। और याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना। ठीक है, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।